अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को फॉरेक्स में एक्सएम न्यू स्कीमिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा भी। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से एक स्ट्रेटजी दे दी थी जो ऑल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। फर्स्ट टाइम में ब्रोकर का मसला था, तो उसमें हमारी जब एक्सएम वालों से बात हुई थी तो उन्होंने हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कल वाला जो दिन था उन्होंने हमसे चीटिंग करनी शुरू कर दी। पीछे भी उन वो चीटिंग करते थे, लेकिन कल वाले दिन से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो ये एक अलग बात है कि ये कल वाला दिन था बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल डे था मेरे दोस्तों के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने न्यूज़ ट्रेडिंग पे काम किया उन सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल डेज था। जितने भी लोग थे उन्होंने तकरीबन 42% अपने अकाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। जिसका $1000 बैलेंस था उसने $420 प्रॉफिट कमाया। लेकिन बदकिस्मती ऐसी बनी कि एक्सएम अगर हम लोगों के साथ सब के साथ उसने फ्रॉड किया, अगर वो फ्रॉड ना करता तो तकरीबन 65 से 70% प्रॉफिट हम में से हर शख्स को आ जाना था। लेकिन वो 30% हम सब का उन्होंने जो सिस्टम बनाया था उसमें सब आ गए, तो उसमें से सब ने एक्सएम में जो न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे थे तो उनके साथ उन्होंने धोखा किया। तो मेरी जब उनके अकाउंट मैनेजर साहब से बात हो रही थी तो वो कहते हैं हम आपको कमीशन देंगे, आप चुप रहें हम इस तरह। मैंने कहा यार चुप मैं कैसे रह सकता हूँ, आप मेरे लिए अच्छे होंगे लेकिन उन दोस्तों से ज़्यादा अच्छे नहीं जो मेरे लिए काम करते हैं, जो मेरी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो हकीकत माने एक्सएम हो, एक्सनेस हो, या कोई भी ब्रोकर हो, आक्टा हो, इंस्टा हो, तो मेरे लिए कोई भी हैसियत ज़्यादा नहीं रखता आप लोगों से ज़्यादा। आप लोगों को प्रॉफिट आए, एक्सएम नहीं देता तो जान छोड़ जाए, एक्सनेस नहीं देता तो दफ़ा हो जाए, कोई भी अगर सहूलियात नहीं देता तो मुझे उस किसी भी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत है तो आप लोगों की प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो ये एक सच है, कल वाला दिन एक बहुत अच्छा दिन रहा फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से। हमारी 3 न्यूज़ें थी, वैसे तो 4 न्यूज़ें थी लेकिन काम के हवाले से 3 न्यूज़ें बताई गई। एक AUD की न्यूज़ थी, मैंने मना किया हुआ था कि AUD पे काम नहीं करना, तमाम दोस्तों के जिन्होंने किया होगा शायद उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट तो आया होगा लेकिन उनका उसका मैं काउंट नहीं करता क्योंकि मैंने मना किया हुआ था। CHF की जो न्यूज़ थी इसने 10 पिप का प्रॉफिट दिया, 10% सबको प्रॉफिट दे दिया। GBP की जो न्यूज़ थी इसने तकरीबन 12% प्रॉफिट दिया, और टैक्स वगैरह निकाल कर इसने जो टोटल प्रॉफिट में ले आया ये तकरीबन 9-10% ये भी प्रॉफिट में ले आया। और इसके अलावा जो शाम को USD की न्यूज़ थी ये तकरीबन 25 पिप के लगभग इसने प्रॉफिट दिया, तो टोटल काउंटिंग में मुझे तकरीबन 42% प्रॉफिट आया सब न्यूज़ से। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्सएम ने फ्रॉड कैसे किया। ये आज से मैं थोड़ा सा पहले की वीडियो चला रहा हूँ, ये वीडियो है, मैं तो जो भी वीडियो होती है वो रिकॉर्ड ही करता हूँ। तो ये देख सकते हैं 11:30 हो चुके हैं, GBP की न्यूज़ थी ये, एक बाय स्टॉप लगा हुआ है, एक सेल स्टॉप लगा हुआ है, और बाय स्टॉप को मार्केट उठाने वाले इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ये देखें मार्केट अब चली गई, इसको मैं थोड़ा सा पहले रिवर्स बताकर आपको, ये देखें भाई मेरी जो बाय स्टॉप था ये लगी हुई थी 1:32:19 पे, और ये देखें अभी मार्केट जो है वो पहुंच गई 3234 पे, और नीचे ये $17.50 प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक हो गया। 3210 पे SL है, और ये देखें 1:17 इस जगह से अगर हमारी ट्रेड एक्टिव होनी थी तो हमें जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 17.50 पे, 0.10 के हिसाब से हमें जो प्रॉफिट आ रहा था वो 17.50 था, मार्केट 1:32:34 पे। तो ये देखें मार्केट 3234 से 3237 पे थी, ट्रेड जो थी वो बाई के लगी हुई थी, और ये जो $17 प्रॉफिट शो कर रहा था थोड़ी देर पहले ये वे माइनस में ले आया। तो हकीकत माने वो जो हमारी ट्रेड लगी हुई थी 1:32:19 पे इसने शो कर दी 1:32:37 पे, तो ये इसने एक बार प्रॉफिट शो किया। मैं थोड़े से और ये देखें, मैं थोड़े से और बैक ले आया, ट्रेड लगी और 1:32:34 पे चली गई, मैं इसने ये $17.50 प्रॉफिट कमाया, ये 17% बनता था। ये तो चलो छोटा अकाउंट था जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो जो बड़े अकाउंट थे उनमें तो ये काफ़ी सैकड़ों डॉलर के हिसाब से इन्होंने जो हराम खाया है।
तो इसको जब थोड़ा सा और आगे चलाते हैं तो ये जैसी ऊपर गई तो इसने ये लास्ट में ले आया है, और इसके बाद ये देख सकते हैं मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती गई चलती गई चलती गई। ये बाद में जो प्रॉफिट आया ये एक अलग बात है, लेकिन बात करने का जो मकसद था वो यही था कि इन्होंने जो फ्रॉड किया, अगर इस जगह पे मैं फ्रॉड ना करता तो यहाँ जो $1.50 माइनस में ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ रहा होगा। एक फ्रॉड इन्होंने, दूसरी मैं कल वाली GBP की न्यूज़ के हवाले से आप लोगों को एक वीडियो और दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये अकाउंट है, 13:59 हो चुके हैं और 56 सेकंड हो चुके हैं, 4 सेकंड बाकी हैं न्यूज़ में। तो ये देखें 59, तो एक GBP USD की सेल लगी हुई है, एक बाई लगी हुई है, थोड़ा सा फासला मैंने ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी थी, 3-4 न्यूज़ें इकट्ठी थी। तो ये देखें न्यू कैंडल बनी है, मार्केट नीचे की जाने आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ, ये देख लें 1.3190 पे हमारी सेल की ट्रेड लगी हुई थी और मार्केट पहुँच के 1.3181 पे इसने ट्रेड एक्टिव ही नहीं की। और ये देख सकते हैं इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको और पीछे लेके आया था, इसने एक बार प्रॉफिट शो किया, ये देखें ये इस जगह पर 1.3181 पे है और मार्केट ने जो प्रॉफिट शो किए है वो किए हुए हैं $7.30 0.01 से। तो ये 31 सेल की ट्रेड एक्टिव हो गई, ये 1.3181 पे है, और फिर जब ये मार्केट थोड़ी सी 3183 पे चली गई सेल की ट्रेड थी तो ये $10 माइनस में कैसे चला गया, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये 0 पॉइंट इसका इनके जो मेरे साथ बात हो रही थी वो हो रही थी एज़ लो एज 0.01 0.02। जो इनका अकाउंट मैनेजर था जब हमारी बात हुई थी न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, स्पेशल अकाउंट्स के हवाले से, तो इन्होंने कहा था कि यार हम जो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते हैं वो 0.01 से 0.02 चला जाता है, 0.03 चला जाता है और कभी कभी 0.04 चला जाता है। लेकिन इस टाइम आप देख रहे हैं GBP USD का 1.3183 बिड है और 1.3191 8 पिप का इन्होंने स्प्रेड किए हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं, 5.5 पिप का मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया हुआ था, 1.3174 पे मार्केट आ गई। ये देख लें 1.3174 बिड रेट है और 1.3186 आस्क रेट है, इन्होंने जो ट्रेड एक्टिव की वो 1.3181 पे हो गई। चलो कोई मसला नहीं है, ये स्लिपेज हल्की सी आ गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन यार जे जुल्म देखें ये 0 पॉइंट, ये इन्होंने 12 पिप 0 अकाउंट में इन्होंने सेपरेट काट लिया। आप खुद सोच लें अगर ये 2 पिप स्प्रेड 0.03 स्प्रेड होता तो इस जगह पे हमें तकरीबन $8-9 का प्रॉफिट आ रहा होता, लेकिन ये देख सकते हैं 1.3174 बिड रेट है, 1.3186 ये आस्क रेट है। तो ये इन्होंने 12 पिप का 0 स्प्रेड अकाउंट 12 पिप स्प्रेड कैसे बढ़ा सकता है। इससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फिर देखें ये मार्केट 1.3168 पे आ गई, ठीक है 1.3181 1.3190 पे हमने ट्रेड लगानी थी, 1.3181 पे उन्होंने ट्रेड लगाई तो ये 0 स्प्रेड था। तो 1.3168 पे हमें जो प्रॉफिट आ जाना चाहिए था वो तकरीबन 13-14% का था या $13-14 का था, लेकिन ये इन्होंने इतना ज़्यादा कर लिया, इस जगह पे इन्होंने तकरीबन 10 पिप इन्होंने स्प्रेड कर लिया। और थोड़ा और नीचे आते हैं, ये देख सकते हैं ये 1.3149 पे मार्केट आ गई, आप और से देख सकते हैं, और इस जगह पे इन्होंने तकरीबन 7 पिप 6 पिप का स्प्रेड कर दिया। 6 पिप के स्प्रेड के अंदर हमें जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो तकरीबन $25 हो रहा है। अभी हमारा 5.5 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप था, तो अगर मार्केट इस जगह से वापस चली जाती तो हमें तकरीबन $20 तो हमारे बुक हो जाने चाहिए थे। लेकिन देखते हैं फिर इन्होंने क्या किया, ये ट्रेलिंग स्टॉप नीचे आ गया 1.0, ये देख सकते हैं मार्केट और नीचे, और ये SL आ गया 1.3160 पे, ये आप देख सकते हैं SL ये नीचे ले आया। इस जगह पे भी हमें कोई ज़्यादा शिकवा नहीं है, अभी चलो खैर 3160 पे हमें 21% तो प्रॉफिट आ जाना चाहिए। लेकिन फिर देखते हैं ये देख लें, ये 3161 पे
3160 पे ये एसएल हो गया और मार्केट इस टाइम 3149 पे है। तो ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको पैक करते हैं। तो ये देखें, मार्केट 1.3171 पे पहुंच चुकी है और 3160 पे इसने हमारा एसएल ही नहीं किया। इस जगह पे हमारा एसएल तो हो जाना चाहिए था ना। तो इस जगह पे जैसे ही इसने एसएल किया तो हमें टोटल $25 कहाँ, $9 कहाँ, और इस जगह पे ये जो स्प्रेड काट रहा है, ये काट रहा है $12 का, 12 पिप का, सॉरी 12% अकाउंट का ये स्प्रेड काट रहा है। तो इस जगह पे इसने हमारी जो ट्रेड थी वो क्लोज कर ली और हमारा जो अकाउंट था इसमें काफ़ी सारा, चलो प्रॉफिट तो जितना भी आना था वो आ गया, लेकिन इसने जो हमें इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगाया। तो इस हवाले से जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे लालच दिया कि मुझे वो कमीशन देते हैं, आप चुप कर जाएं, लोगों को ना बताएं। तो मैंने हकीकत माने उस बंदे के मुंह पे कहा था, पाकिस्तानी बंदा था यासीन नाम का, मैंने कहा मुझे एक्सएम बहुत अजीज़ होगा, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो लोग मुझे कॉल्स करते हैं, जो लोग मुझसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनकी जूती भी तुम्हारे एक्सएम से ज़्यादा अजीज़ है। तो अभी मैं जितने लोग मेरे एक्सएम फॉरेक्स ब्रोकर के हवाले से काम कर रहे थे तो मैं उनको अपनी तरफ से मना कर रहा हूँ कि वो एक्सएम फॉरेक्स ब्रोकर पर न्यूज़ ट्रेडिंग छोड़ दें, क्योंकि ये स्कैमिंग इसने शुरू कर दी है, इन्होंने झूठ बोला। तो मैंने बहुत इनको जो अल्फाज, मैंने इनको जो गालियाँ दी, गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है, जब ये हराम खाते हैं, जब ये अपने दोस्तों के साथ, ये अगर मेरी ज़ात के साथ कर भी देते तो कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन ये जो मेरे जितने दोस्त हैं इन लोगों के साथ इन्होंने जो ये काम किया है तो मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता। तो आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि एक्सएम न्यूज़ ट्रेडिंग छोड़ दें। इस हवाले से हमारी मीटिंग्स बैठी हुई हैं, तो हमारे काफ़ी ब्रोकर्स जो हैं ऑल वर्ल्ड के अंदर, वो ब्रोकर के साथ हमारी बातचीत जारी है, क्योंकि मुझे हमें जो अकाउंट चाहिए जो फॉरेक्स न्यूज़ के हवाले से, तो हम सिर्फ उसी अकाउंट पे काम करेंगे, और हमारे साथ कुछ वादे किए गए हैं कंपनियों की जानिब से, हमें वो अकाउंट दे रहे हैं। तो उसमें एक न्यू प्लान के साथ आपको नेक्स्ट दो से तीन दिन के, आज फ्राइडे है तो संडे मंडे से पहले, संडे इतवार मंडे सोमवार तक हम आपको एक न्यू ब्रोकर दे देंगे, आपने एक्सएम से विड्रा करा लें और उस न्यू ब्रोकर के साथ काम करें। उस ब्रोकर के जो ज़्यादा होंगे खसूसियात होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, हमारे उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। तो जो भी ब्रोकर हमसे अच्छा रबता किया, अच्छा प्रोग्रेस दिया, तो हकीकत माने मैं आप लोगों को सिर्फ उसी का कहूँगा। और अभी जो हमारा न्यू प्लान आ रहा है फॉरेक्स में, उसमें तकरीबन इसमें भी लॉस नहीं था, एक्सएम में चलो एक्सएम ने चीटिंग भी की लेकिन इसके बावजूद लॉस नहीं था। तो उसमें जो हम न्यू ब्रोकर बना रहे हैं उसमें हकीकत माने में जो हमारा प्लान है, जिस तरह हम सोच रहे हैं, जिस तरह हमारी कंपनीज वाले के साथ बात चल रही है, अगर वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो कुछ कंपनियाँ वो हमें दे भी रही हैं, हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है, शरारत तय हो रही हैं, तो अगर वो दे दें तो हकीकत माने भाई न्यू ट्रेडर भी आ जाएगा। अगर वो उस अकाउंट पे, जिस अकाउंट पे हम आपको कहेंगे, जो हमारी शरायत याफ्ता जो हमारी शरायत हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से, तो अगर उस हवाले से अगर कोई भी हमारा दोस्त काम करेगा और जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से काम करेगा, तो उस तरीके से वो 100% हर महीने प्रॉफिट में रहेगा। मीन उस बंदे को अगर लॉस भी आएगा तो महीने के एंड में अगर वो निकालेगा तो उसको तकरीबन मैं कम से कम 60% बता रहा हूँ। और ये भी एक्सएम के ये स्प्रेड की वजह से मैं परेशान था, और दूसरा इसका जो सबसे बड़े टेंशन हमारे लिए बनी हुई थी, वो काफ़ी दोस्त कहते थे कि 5.5 पिप पर ट्रेलिंग स्टॉप होता है, ये बहुत ज़्यादा है, 3-4 पिप पर ट्रेलिंग स्टॉप होना चाहिए। तो एक्सएम अलाउ नहीं कर रहा था ट्रेलिंग स्टॉप के हम ज़्यादा करें। तो एक्सएम फॉरेक्स ब्रोकर को मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि हमने जो हमारी टीम थी, जितने दोस्त थे, न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से इसको छोड़ दें। मैं आपसे कहता हूँ इसके बदले में मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर दूँगा, हमारी बातचीत हो रही है अगर मेरी काफ़ी ब्रोकर्स के साथ ऑल वर्ल्ड के अंदर, तो स्पेशल टाइप के एक अकाउंट बनवाएंगे, उस अकाउंट पे हम काम करेंगे और उसमें एक और काफ़ी चीज़ें न्यू ऐड करेंगे जो इसमें नहीं थी। तो बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन आर्जी तौर पर मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो पेमेंट है वो विड्रॉ करा लें और इस पर न्यूज़ ट्रेडिंग छोड़ दें। आपको बहुत जल्दी हम इसके बदले में एक अच्छा सा ब्रोकर देंगे। तो उम्मीद है आज की आपको जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट दीजिएगा कि
एक्सएम ये चक्कर कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो लोग आप कहते हैं, हम लोग का हक़ भी बनता है, हम लोग आपकी बात माने, आप लोगों का हक़ बनता है, आप लोग हमारी बात माने। तो इस हवाले से आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, कॉल्स करें, अगर आपको कोई ऐसा ब्रोकर्स है। लेकिन हम कोई भी ब्रोकर होते हैं उसकी क़यादत के साथ बात करते हैं, आम अकाउंट मैनेजर वगैरह से बात नहीं करते। उनके जो ओहदे पे होते हैं, जो उनके सीनियर्स बंदे होते हैं, उन पे उनसे हम बात करते हैं, हर बंदे से हम बात नहीं करते। तो अगर आपके पास भी कोई है फिक्स स्प्रेड वाला, जो स्प्रेड ज़्यादा ना करे। ये तो सीधा सा चक्कर हुआ कि स्प्रेड ज़ीरो इन्होंने लिखा हुआ है और हमसे इन्होंने के बाद ज़ीरो स्प्रेड की हुई है, 0.01, 0.02, 0.03 की हुई है, और इन्होंने जो स्प्रेड कर दिया है वो 14 पिप का कर दिया है। ये तो हकीकत माने बहुत सरासर नाइंसाफ़ी की बात है। तो आप लोगों के साथ कोई बंदा नाइंसाफ़ी करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसके प्रूफ आप लोगों को दे दिए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में। मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।